नॉक 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 नॉक। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, मानसिक तनाव में हैं या टेंशन में रहते हैं, तो मेरा आज का ये वीडियो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि किस तरीके से तनाव से बाहर आया जाता है, किस तरीके से घुटन भरी जिंदगी से बाहर आके लाइफ को स्ट्रेस फ्री जिया जाता है। मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप स्ट्रेस में हैं या तनाव में हैं या टेंशन में हैं, दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ना कोई विचार आपके मन में चल रहा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। अब कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर आपके मन में, आपके दिमाग में चल रही है, जिसको ना तो आप किसी से शेयर कर पाते हैं, ना आप किसी से कह पाते हैं, और अगर आप किसी से कहते भी हैं तो कोई भी आपकी बात को इग्नोर कर देता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बात पे किसी को ट्रस्ट नहीं होता। इस वजह से आप मानसिक तनाव में अंदर अंदर घुटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप अपने अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये छोटी सी सच्चाई को आप समझ लीजिए। अगर आप अपने अंदर अंदर किसी विचार की खिचड़ी बना रहे हैं, तो वो खिचड़ी पकती रहेगी, किसी को कोई फर्क इस दुनिया में नहीं पड़ता। फर्क जानते हैं किसको पड़ता है? फर्क पड़ेगा या तो आपके परिवार को या फिर आपकी हेल्थ में। और दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कितने ही लोग हैं, आप देख लीजिए, इतने लोग हैं, क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है कि आप अपने अंदर क्या पका रहे हैं? फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ पे, आपका जीवन आपका अपना है। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि जितना ज्यादा आप अंदर अंदर घुटते रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने विचार को अंदर ही अंदर चलाते रहेंगे, उतना ज्यादा आप तनाव के शिकार होते जाएंगे और आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, कई बार लोग ऊपर से देखने में तो बहुत स्मार्ट लगते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, मैं तो बात करता हूं ना, मेरे पास तो लोग आते हैं, कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनके अंदर अंदर एक घुटन बनी हुई है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो इस अंधकार से बाहर आ जाइए, इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आ जाइए। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको फर्क पड़ेगा, आपकी लाइफ पे फर्क पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे और आपके परिवार पे फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर कैसे आया जाए। एक ही तरीका है, मैं अपने हर वीडियो में वही तरीका बताता हूं, अलग अलग तरीकों से बताता हूं, अब फिर आपको यही बताऊंगा। अगर इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आना है, स्ट्रेस से बाहर आना है, तो आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक होना होगा, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होना होगा, अपने डेली रूटीन के प्रति जागरूक होना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, आप पूरा दिन करते क्या क्या है, सोचते क्या क्या है, किस तरीके से, किस पैटर्न पे आप लाइफ को चला रहे हैं, किन लोगों से आपकी दोस्ती है, किन लोगों के बारे में आप बहुत सोचते हैं और किन लोगों के बारे में आप नहीं सोचते। क्योंकि ज्यादातर तनाव हमारा तभी आता है कि हम एक ही पॉइंट पे या तो किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं या किसी घटना के बारे में सोच रहे होते हैं। आपको इसके बारे में कैसे सोचना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई भी घटना आपको परेशान कर रही है या कोई भी विचार आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उस विचार से डर के भागने की जरूरत नहीं है, आपको छिपने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है उस विचार का, उस घटना का एक बार सामना करने की। जी हाँ, उसके लिए थोड़ी करेज चाहिए। आपको एक बार सामना करना होगा। एक बार आप सामना करना सीख जाएंगे तो ना तो कोई विचार और ना ही कोई भविष्य और ना ही कोई पास्ट की चिंता आपको सताएगी। लेकिन यह भी बात मैं समझ सकता हूं कि चीजों का सामना करना आसान नहीं होता। दुनिया में आसान है क्या? आसान कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, और सब कुछ आसान है अगर देखा जाए तो। यह डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। देखिए, बड़ी कमाल की चीज है, हमारा माइंड बदला जा सकता है, अपने माइंडसेट को बदला जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं ना, अगर आप ये कहते हैं कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो खुश हो ही नहीं सकता, मेरा तो तनाव खत्म हो ही नहीं सकता, मेरी टेंशन को तो कोई दूर कर ही नहीं सकता, तो आपको एक सच्चाई मैं ये बता दूं कि रियल में आपकी टेंशन को कोई दूर नहीं कर सकता, रियल में आपका स्ट्रेस कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना लिया है कि आपका स्ट्रेस तो कभी दूर हो ही नहीं सकता।
आप अगर ये सोचते हैं कि मैं तो सर खुश हो ही नहीं सकता, तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि खुश होने से होता क्या है। खुश होने से आपकी बॉडी में खुशी के हार्मोन्स बनते हैं। जी हाँ, जब आप खुश होना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में खुशी के हार्मोन्स बनते हैं, और जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस के हार्मोन्स बनते हैं। तो सब कुछ आप खुद ही बना रहे हैं, जाने अनजाने आप अपनी जिंदगी के राइटर खुद ही हैं, और उसको आप खुद ही लिख रहे हैं, और उसको खुद ही लिख देते हैं और उसको मिटा भी नहीं पाते। आपको ये बात सेल्फ अवेयरनेस से समझ में आएगी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जैसी आपकी दिशा होगी, आपकी दशा और दिशा साथ साथ चलती है। तो अगर आप अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री, लाइफ को ब्यूटीफुली चलाना चाहते हैं, एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, बाहर से आपको किसी बात का जवाब नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ना कोई एक दिन चमत्कार होगा, कि बाहर से कोई चीज आपके पास आएगी जो आपकी स्ट्रेस को दूर कर देगी, नहीं होगा। आपको अपने अंदर डुबकी लगानी ही पड़ेगी। आई रिपीट, अपने अंदर डुबकी लगानी ही पड़ेगी। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए एक पानी की बाल्टी आप लीजिए। अब पानी की बाल्टी आप लेंगे, उसमें पानी भरा हुआ है, अपना हाथ उस पानी में डाल दीजिए, अपने हाथ को उस पानी में डाल दीजिए और उसको जोर से हिलाइए, क्या होगा? पानी हिलने लगेगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि पानी हिल रहा है, आपने पानी को रोकना है, लेकिन आपका हाथ पानी में ही रहना चाहिए, क्या यह संभव है? ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपना हाथ उस बाल्टी में से बाहर नहीं निकालेंगे। आपको सिर्फ इतना कष्ट करना है कि उस हाथ को उस बाल्टी में से बाहर निकालना है, बस। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, पानी अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ नकारात्मक विचारों ने जगह बना ली है, अगर नकारात्मक विचारों ने जगह बना ली है तो उनको निकालने की कोशिश मत करें, आप खुद को बीच में से निकाल लीजिए। आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं खुद को कैसे बीच में से निकाल लूं। जी हाँ, आई रिपीट, विचारों को निकालने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को विचारों में से निकाल दीजिए और आप देखेंगे सब कुछ शांत होता जाएगा। इसी को हम साक्षी भाव कहते हैं। आपने कभी बादलों को उड़ते हुए देखा है? कभी आप वैष्णो देवी गए हो या पहाड़ों पे गए हो तो आप देखेंगे कि आप बादलों को टच कर सकते हैं, लेकिन बादलों को पकड़ नहीं सकते। बादल आपको टच करके निकल जाते हैं, आपको कोई नुकसान भी नहीं करते, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं सकते। यही साक्षी भाव है कि आप अगर इन विचारों से, नकारात्मक विचारों से बाहर आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बैठ जाना है और सिर्फ एक शांत मन से, शांत भाव से देखना है किस तरीके से आपके विचार आपके सामने दौड़ रहे हैं। धीरे धीरे जब आप देखना शुरू करेंगे, आपने क्या करना है, आपको सुखासन में बैठना है, शांति से किसी भी अपने घर में, कमरे में शांति से बैठ जाइए, और बैठने के बाद ये देखिए कि आपने कुछ नहीं करना। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप किसी मंत्र का उच्चारण करें, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा आप कोई माला जपें, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप एक बार शांत बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बैठेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, जब आप शांत होकर बैठेंगे तो आपको इतनी चीजें जानने को मिलेंगी अपने ही बारे में जो आपको आज तक कभी नहीं दिखी होंगी। ऐसे विचार आपके सामने से आएंगे और चले जाएंगे। आपने किसी विचार पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, आपने किसी विचार को जस्टिफाई नहीं करना। जैसे विचार आ रहे हैं बादलों की तरह, उनको आने दो और जाने दो, आप बिल्कुल फ्री बैठे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है, और आप उस लड़ाई को दूर से ऐसे देख रहे हैं, दूर से देखते देखते आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हालांकि आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुए। इनफैक्ट जो उस लड़ाई में खुद इन्वॉल्व है वो नहीं समझ पा रहे क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन आपने दूर से खड़े हुए भी ऑब्जर्व कर लिया क्या ठीक है और क्या गलत है। आपको अपने विचारों से एक दूरी बनानी है, आपको खुद को अलग करना है। आपने एक विचार नहीं बन जाना, खुद को विचारों से अलग करके आपने देखना है ये विचार। तो ऐसा देखिए, पूरी जिंदगी, पूरे जीवन में विचार चलते थे, चलते हैं और चलते रहे। अगर आप ऐसे अलग होके खड़े हो जाएंगे, विचार चलते रहेंगे, तो आप पिक करेंगे कि ये विचार मुझे लेना है और इस विचार को मुझे छोड़ देना है। आपके पास पावर ऑफ चॉइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पावर ऑफ चॉइस। जब आपके पास पावर ऑफ चॉइस आ जाएगी,
कि विचारों को मैं चूज करता हूं कि मुझे अपने माइंड में कौन से विचार रखने हैं और कौन से विचारों को बबाए कर देना है। आई रिपीट, मैं, मेरे पास पावर ऑफ च्वाइस है कि मैंने कौन से विचार को रखना है और कौन से विचार को बबाए कर देना है। तो आप क्या करेंगे, आप सारे पॉजिटिव विचारों को चुन लेंगे और अपने जीवन में उतार देंगे, नेगेटिव विचारों को टच भी नहीं करेंगे, वो आएंगे और जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव विचार नहीं आते, नकारात्मक विचार सभी को आते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके साथ बह जाते हैं, कुछ लोग वहीं खड़े रहते हैं और विचार निकल जाते हैं। आपको बहना है पॉजिटिव विचारों के साथ, आपको 24 घंटे पॉजिटिविटी में डूबे रहना है। वो कैसे होगा, जब आप कुछ पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे, पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहेंगे, अपने साथ कुछ वक्त लगाएंगे, कुछ पॉजिटिव पढ़ेंगे, कुछ पॉजिटिव देखेंगे, कुछ अच्छे लोगों से बात करेंगे, शांति के साथ अपने साथ कुछ देर बैठेंगे। पॉजिटिविटी का सही खजाना, सबसे बड़ा खजाना कहां छुपा हुआ है, आपके अंदर, जहां आप जाना पसंद ही नहीं करते। अगर वहां आप पहुंच जाते हैं तो पॉजिटिविटी की खदान है वहां पर, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पॉजिटिविटी का और मानसिक शांति का वहीं छुपा हुआ है। तो जहां अगर आप मानसिक शांति की तलाश में हैं, तनाव से बाहर आना चाहते हैं, तो बाहर घूमने की बजाय, बाहर भटकने की बजाय, ये मैं आप ही से कह रहा हूं, अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो भटकना बंद कर दीजिए, जहां है वहीं स्थिर हो जाइए, ठहराव में आ जाइए। जैसे ही आप ठहराव में आएंगे, आपका जीवन सेटल होने लगेगा, आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगेगा। अभी क्या है कि आप में ठहराव नहीं है, आप बहुत विचलित हैं, आपके विचार इधर उधर दौड़ रहे हैं। बस खुद को ठहराव में, स्टेबिलिटी में लाइए। वो कैसे होगा, जब आप रोज अपने साथ समय लगाएंगे, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो तनाव अपने आप जाएगा, जहां खुशी होती है वहां तनाव नहीं होता। और खेलना कूदना जरूर कीजिए, थोड़ा बहुत कोई ना कोई इंडोर आउटडोर गेम खेलते रहिए, नए लोगों से बातचीत कीजिए, कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर सीखिए। जहां तक हो सके खुद को खुश रखिए, आपकी खुशी किसी के साथ कंसर्न नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी ने आपको दुखी कर दिया तो आप दुखी हो गए, किसी ने खुश कर दिया तो आप खुश हो गए। आप अपने अंदर ही खुशी का पैटर्न बनाइए कि आप खुद ही सीखिए कि मुझे खुश रहना है, और देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा ही होगा। मेरा पर्पज यही होता है वीडियो बनाने का कि मैं अपने सुनने वालों को, मेरे वीडियोस को देखने वालों के जीवन में एक रोशनी ला पाऊं, एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं। जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाऊंगा और आपकी लाइफ में चमक लाता रहूंगा। मैं इसी मिशन में हूं और मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति चारों तरफ से बरसे। थैंक यू सो मच, आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स लॉट।